नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल महेश्वर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी के बहराइच में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर जिलाधिकारी शंभू कुमार और पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने कलेक्टर परिसर और निर्वाचन कार्यालय का दौरा किया और चुनावी संबंधी जानकारी हासिल की। इस मौके पर जिले के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। यूपी के रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार जया प्रदा ने शिव मंदिर में जलाभिषेक कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। जया प्रदा राठौड़ा स्थित प्राचीन शिव मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना की, जिसके बाद मंदिर परिसर के बाहर जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर जया प्रदा ने कहा कि यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता और मैंने विजय का आशीर्वाद मांगा है। लोग माता ठीक के जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। भगवान से मैंने एक ही प्रार्थना किया है कि रामपुर को विकास के रूप में, रामपुर को अगर जनता के रक्षा के लिए मैंने पूरी प्रार्थना की और भगवान का आशीर्वाद दिया। यूपी के बहराइच के धनकुट्टीपुरा मोहल्ले में एक युवक को चाकू से कई बार वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। मात्र 400 रुपए के लेनदेन की बात को लेकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बहराइच में कुछ दिन पूर्व हुई एक महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वहीं इस खुलासे में चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिन परिजनों का जीवन को सहारा होता है, अगर वही परिजन जीवन लीला समाप्त कर दे तो उसको क्या कहेंगे। ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना पियागपुर क्षेत्र में एक बेटी के परिजनों ने अपनी ही बेटी की हत्या की साजिश रचकर मौत के घाट उतरवा दिया। वहीं पुलिस ने हत्या का पर्दाफाश करते हुए अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा पुलिस ने स्प्रिट की 8 कैन बरामद की, जिनमें 320 लीटर स्प्रिट बरामद हुआ है। बता दें, पकड़ी गई स्प्रिट का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मकान में छापा मारकर अवैध शराब का भंडाफोड़ किया। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। यूपी के जालौन में चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ किया। मामला माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुरोती का है, जहां सुबह तड़के चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान चोरों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आज रात्रि को करीब 4:15 करीब एक प्रकरण चोरी का संज्ञान में आया, जिसमें 2 घरों में छोटी छोटी चोरियां करते हुए सारे लोग जग गए। गांव वालों के शोर शराबा करने पर अभियुक्तों के द्वारा फायर किया, जिसमें एक गोली जो है एक व्यक्ति के हाथ में लगा, वो सुरक्षित है, जिसको उसके द्वारा पहचान की जानी, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। यूपी की जालौन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे शैलेंद्र सिंह नाम के आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के पास एक आदत तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस थाने में मानवता को शर्मसार करने वाला दृश्य देखने को मिला। दरअसल एक विकलांग महिला थाने में न्याय के लिए भटकती नजर आई। बता दें, पीड़ित विकलांग महिला का कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत लेकर पीड़िता कला थाना पहुंची, लेकिन वहां विकलांग महिला को न्याय नहीं मिला, जिसके चलते पीड़िता उच्च अधिकारी के पास पहुंची और सारी बात बताई। तब जाकर पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाने में जांच करने के आदेश जारी किए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर से व्यापारियों से ठगी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चावल और दाल मंडी का कारोबार करने वाले व्यापारी ने पैसों की आवश्यकता होने की बात कहकर कई व्यापारियों से पैसे वसूल लिए, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो आरोपी ने पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद आरोपी व्यापारी शहर छोड़कर भाग गया। करीब दर्जन भर पीड़ित व्यापारियों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। सब छोटे छोटे व्यापारी हैं। एक व्यापारी था जय कुमार जैन, जो पान मंडी में जिसकी चावल की दुकान थी, नावले वाले जय कुमार जैन, नावले वाले राजकुमार जैन और संजय जैन, इनके बहुत करीब के खानदान के रिश्तेदार हैं, और वो लोग जो हैं हमारा पैसा हजम करके यहाँ से गायब हो गए। 70 परिवारों का पैसा लेके यहाँ से गायब हो गए। किसी के 50 लाख रुपए हैं, किसी के 40 लाख रुपए हैं, किसी के 10 लाख रुपए हैं, किसी के 20 लाख रुपए हैं। यूपी के एटा पुलिस ने अंतर जनपदीय लूट गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें, पकड़े गए आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा।
पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 5 कारतूस, 3 मोबाइल और 1 पासबुक बरामद की है। कि एक व्यक्ति जिसके साथ लूटपाट करके फेंक दिया गया है, उसके द्वारा सूचना दी गई थी। उस घटना पर हमने त्वरित कार्रवाई की और पूरी क्षेत्र में चेकिंग नाकेबंदी का अभियान चला के 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने 4 अभियुक्तों को पकड़ लिया। वादी को हम लोगों ने, एक कोई बड़ी घटना हो जाती है उससे पहले हम लोगों ने उसका उपचार कराया। ऐसे में जो जानकारी में आया, ये गैंग है जो कि अंतर जनपदीय स्तर का लूट का गैंग है और महिलाओं को ये प्रयोग करते हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, तरीका है घटना करने का, वो ये है कि महिलाओं को साथ में रखते हैं। यूपी की मथुरा पुलिस ने लूट और डकैती करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने चोरी के साथ वाहन भी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से देसी रिवॉल्वर, 1 तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोतवाली और कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम द्वारा एक बहुत ही अच्छा वर्क हुआ है जनपद मथुरा के लिए। जनपद मथुरा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। SSP महोदय द्वारा जो अभियान चलाया गया है, ये चुनाव को बिल्कुल भयमुक्त और निष्पक्ष कराएंगे। उसमें कुछ अपराधियों द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उसी के तहत 4 बदमाश पकड़े गए हैं, जिनसे 720 ग्राम कोकीन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू 60 लाख रुपये है। यूपी के बहराइच में जनपद में बढ़ रही चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने सख्त निर्देश दिए। इसी के चलते मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चुराई गई बाइक को बेचने वाले 3 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों से पुलिस ने 1 किलो 70 ग्राम चरस और चोरी की 17 बाइक भी बरामद की है। मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं के ऊपर लगातार पुलिस द्वारा सूचना एकत्रित की जा रही है, गैंग्स के ऊपर नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में थाना नानपारा में 3 मेंबर का एक गैंग अरेस्ट किया गया है, जिनमें अतीउल्ला, अनीस और राम सुमज के कब्जे से 17 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिसमें कि 6 मोटरसाइकिल मुकदमे से कनेक्ट हो गई हैं, 4 जनपद बहराइच से चोरी की गई हैं, 2 मोटरसाइकिल सीतापुर और लखनऊ से चोरी की गई हैं। इनके पास से इन मोटरसाइकिल्स को बेचने के लिए पूर्व रचित डॉक्यूमेंट बनाने के उपकरण व मोटरसाइकिल को कोड़ने जोड़ने के उपकरण के साथ साथ मादक पदार्थों में भी तस्करी में शामिल हैं ये लोग। इनके पास से 1 किलो 70 ग्राम चरस भी बरामद हुई है। यूपी के कन्नौज में 3 तलाक का मामला सामने आया है। यहाँ पति ने पत्नी को साउदू से ही तलाक देने की धमकी दी है। जब इस बात की जानकारी पीड़िता ने ससुराल पक्ष को बताई तो ससुराल पक्ष ने पीड़िता को ताना मारते हुए उसके साथ मारपीट की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। दरअसल पीड़िता की 2 बेटियां हैं, जिसकी वजह से उसका पति पत्नी से छुटकारा पाने के लिए तलाक लेना चाहता है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। मामला जो है, मेरे जो है हस्बैंड सऊदी अरब में हैं, तो उन्होंने हमें फ़ोन करके 3 तलाक दी है, फ़ोन करके तलाक हमें दे दी है। हमने क्या अपने हस्बैंड से कि इन लोगों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला करा है, हमने शिकायत करने मारी की। उन लोगों ने पहले ही से भर रखा था उनको, इसलिए जो वो जो है उन्होंने पहले से भर रखा था, हमें फ़ोन पर तलाक दे दी, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। ये शहर कोतवाली के ताजपुर नौखास की रहने वाली लेडी हैं। इनके पति सऊदी अरब में कोई काम करते हैं, उसी में इनका आपस में विवाद चल रहा था और इन्होंने मुकदमा एक पंजीकृत कोतवाली में कराया है कि 23 तारीख को इनके पति ने रात में काफ़ी इनके साथ बदतमीजी की और गाली गलौज से लेकर के और दहेज उत्पीड़न तक की इन्होंने बात की है। राजस्थान के भरतपुर में 6 मई को 100% मतदान का संकल्प 6000 लोगों ने लिया। इसी के चलते 5 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई गई। इस मानव श्रृंखला में 100% मतदान की तख्तियां लेकर लोगों ने पूरे शहर में घूमकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। भरतपुर के रूपबास में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची गहनोली थाना प्रभारी ने घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से CSC पहुंचाया। वहीं अज्ञात वाहन चालक हादसे के बाद मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। राजस्थान के भरतपुर के रूपबास कस्बे में चोरों का आतंक चरम पर है। चोर ऐसे लोगों को भी निशाना बना रहे हैं जो लकड़ी का छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। हर रोज बढ़ती वारदातों से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इसी के चलते स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और विदेश के अन्य तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नवतेज TV।